यू। अदर जगह में जाता हूँ तो बहुत ही स्लो आवाज रहता है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे एनर्जी भी है। अभी जस्ट एक हफ्ता पहले ही मीटिंग हुई है, सिर्फ एक हफ्ता पहले भी मीटिंग हुई है, तो इतनी आवाज नहीं मिली जितनी आवाज यहाँ पे मिली। इसका मतलब है कि यहाँ पे एनर्जी बिल्ड कुछ ज्यादा ही है। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया आप लोगों से मिलके, और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे जो दिलीप सर हैं, निकेश जी है, उनका आईडी लगा हुआ है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस प्लेटफार्म को यहाँ पे इस तरीके से तैयार किया है। इतने सारे लोग यहाँ पे आए, एक बार जोरदार ताली, बहुत मेहनत है वो हम लोगों को दिख रहा था व्हाट्सएप के, क्योंकि जहाँ भी वो मीटिंग कर रहे हैं जिनके साथ भी कर रहे हैं तुरंत लाइव जो है शेयर कर देते हैं। तो ये उनका जो काम करने का जो मैं देखा क्षमता एनर्जी, ये बहुत बढ़िया है। इसका मतलब है कि उन्होंने टारगेट बना लिया है, गोल सेट कर लिया है कि मुझे यहाँ पे कुछ जबरदस्त करना है। अब यूं ही तो उन्होंने गोल सेट नहीं किया होगा, जैसे हमारे चंदन सर हैं, उन्होंने भी इस प्रांत के बारे में आप लोगों को बताया, उन्होंने भी अपना गोल सेट किया। हमारे रमा सिंह सर ने भी गोल सेट किया है। बहुत सारे शख्सियत है जिन्होंने अपना प्लान, अपना गोल सेट, इस प्लान में कुछ अलग है, मतलब कुछ अलग बोले तो ये प्लान एकदम दिल से बनाया गया मार्केट को देखते हुए। जिस तरीके से लोग आज ठग रहे हैं, जिस तरीके से लोगों से पैसा लूटा जा रहा, ये सभी लोगों को पता है कि आज क्रिप्टो के नाम पे, अब तक हमारे प्लान के बारे में ही हमारे सर लोगों ने बताया आपको, क्रिप्टो के बारे में नहीं बताया गया कि किस तरीके से धोखाधड़ी हो रहा है मार्केट। और हम लोग भोले भाले इंसान हैं, जैसा लोग पढ़ाते पढ़ लेते हैं, जैसा लोग समझाते समझ लेते, ब्रेन वॉश करते हैं लोग, और एक से एक मास्टर ब्लास्टर बैठा है ब्रेन वॉश करने के लिए, एक से एक मास्टर ब्लास्टर बैठा है। और हम लोग सीधे साधे इंसान उसके बातों में आकर के जो है अपना गाढ़ा कमाई उनको लगा देते हैं। नतीजा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको बोलते हैं, और जितनी भी सारी क्रिप्टो कंपनी है वो सब इन्वेस्टमेंट के ऊपर में काम कर रही है। अब पहला चीज इन्वेस्टमेंट जो होता है, अगर आप बैंक में करते हैं जिसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट, अगर आप म्यूचुअल फंड करते हैं या अदर्स कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं जो लीगल हो, तब तो वो ठीक है, बढ़िया है, क्योंकि गारंटेड है, सिक्योर है, आपको पैसा मिलेगा ही, इसकी गारंटी है। लेकिन अगर वो सिक्योर नहीं है, गारंटेड नहीं है, तो क्या वहां पे इन्वेस्टमेंट करना सही है? बोलिए, आपका अंदर का आत्मा खुद गवाह देगा कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप अगर कोई चीज होता है, पुलिस को क्यों बनाया गया, शासन को क्यों बनाया गया कि किसी चीज को अगर कोई गलत होता है तो उसको सही किया जाए, उसको घर पकड़ा किया जाए, चोरी होता है तो उसको पकड़ा जाए, उल्टा पुल्टा काम करता है तो उसको पकड़ा जाए, तो उसी चीज के लिए ना प्रशासन को तैयार किया गया है। और अगर हम लोग इलीगल काम करेंगे तो क्या प्रशासन भी आपका सुनेगा? अगर कोई कंपनी में आपने इन्वेस्टर लगा दिया और वो कंपनी किसी कारण से बंद हो गई, तो आप तो लाख बोलेंगे तो वो सुनेगा नहीं, बोलेगा कि आपने इन्वेस्टमेंट किया था, हमको बोल के किया था क्या आपने? बिल्कुल सही। उस वक्त वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आप गलत काम कर रहे हैं। और वही नहीं, बल्कि कहीं भी आप सिफारिश करेंगे तो आपका कोई भी बंदा सुनने वाला नहीं है, क्योंकि आप गलत काम कर रहे हैं, गलत काम का कोई रास्ता नहीं। तो बड़ा मेहरबानी दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी, आप लोगों से दिल से मतलब रिक्वेस्ट है, जो मेरा भावना है, जो मैंने इसको तैयार किया है, इसको मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि प्लान को डिस्कस कर ही दिया सर लोगों ने। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट 20 मिनट आपका समय लूँगा। ये 10 15 20 मिनट के लिए मोबाइल को साइलेंट कर लीजिएगा प्लीज़, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम यहाँ पे आए हैं, पता नहीं फिर कब आएंगे, ये मुझे खुद को ही पता नहीं। कारण क्या है कि प्लान इस तरीके से ब्लास्ट हो चुका है कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी, जो हकीकत बता रहा हूँ।
इस तरीके से ब्लास्टिंग हो चुका है कि लगभग इंडिया के हर एक स्टेट में आग लग चुकी है। दूसरी चीज, सिर्फ इंडिया ही नहीं, फॉरेन कंट्री में भी आग लग चुकी है। अफ्रीका में आग लगी थी, मैं डुमका में था, डुमका में मीटिंग करने के लिए गया था, 14 तारीख ये 14 तारीख को मीटिंग था, सेमिनार था, मैं वहां बैठा ही हुआ था सामने में हॉल के पास। उसी वक्त जो है साउथ अफ्रीका से मेरे पास कॉल आया कि मुझे यहाँ पे ज्वाइनिंग करना है, क्या प्रोसेस है। मैंने सिर्फ 5 मिनट उसको बताया, और रवि सरन जी हमारे साथ बैठे हुए थे, 5 मिनट बताया, और उन्होंने कहा कि ठीक है प्रोसेस क्या बताइए। मैंने ट्रस्ट वैलेट का उसको जो है लिंक सेंड करके दिया कि आप यहाँ पे पैसा भेज दीजिए, $250 में USD में। उन्होंने सैंक्शन $250 में डाल दिया, मेरे को भेज दिया। फिर उसकी आईडी लग गई, वो अपना बंदा आईडी लगा लिया। जिस दिन मीटिंग था उसका कल होकर के, मैं जिस दिन पहुंचा था उस दिन जवाब है। फिर कल होकर के जब मैंने मीटिंग को कंप्लीट किया और जो भीड़ देखा उन्होंने, जो कॉन्सेप्ट देखा कि यार इतना ज़बरदस्त मीटिंग कर रहे हैं वहाँ पे, मीटिंग सेस होने के साथ फिर 5 आईडी का पैसा उन्होंने सैंक्शन भेज दिया। ऑलरेडी बांग्लादेश में आईडी लग चुकी है, जर्मनी में आईडी लग चुकी है, मॉरिशस में आईडी लग चुकी है। तो ये प्लान का पावर को समझना है। मैं आपसे पैसा मांगने नहीं आया हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा मेरे को पैसा दीजिए, मैं आपको लूटने के लिए नहीं आया हूँ कि आप लूट जाइए लुटा जाइए, कुछ भी नहीं है। सिर्फ सिस्टम को समझना है कि ये बंदा जो बोल रहा है क्या ये सही है या नहीं। आपका दिल खुद गवारा देगा, अंदर आत्मा हर इंसान का गवारा देगा। अपने लिए सब स्मार्ट है, कोई बेवकूफ नहीं, अपने लिए सब स्मार्ट है। तो आप, क्योंकि आपका खुद दिल बोलेगा, आपका दिमाग बोलेगा यार ये सही है या गलत है, ये बंदा झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। सबसे पहले बात जो मैं बोल के गया, लीगल और इलीगल, ये इम्पोर्टेंट था। और लोगों का सवाल यही होता है कि क्या आपकी कंपनी लीगल है, लोग बोलते हैं ना भाई, ये नहीं पूछते हैं कि सही काम कर रहे कि नहीं कर रहे। तो ये बिल्कुल लीगल है, किसी भी तरीके से इलीगल नहीं। कारण कि क्रिप्टो बेस पे काम मैं जब कर रहा हूं तो क्रिप्टो को गवर्नमेंट ने लीगल कर रखा है। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूं थोड़ा सा। ये जब लीगल था, फिर लीगल नहीं हुआ, फिर लीगल हुआ, ये समझ, इस चीज को समझना है। 5-7 साल पहले की बात बता रहा हूं, 5-7 साल पहले क्रिप्टो चल रहा था बढ़िया, इंडिया में जबरदस्त चल रहा था। उस वक्त बिटकॉइन का प्राइस था 5 लाख रुपया एक कॉइन का, ये 5-7 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। और मुझे भी किसी ने बोला कि यार बिटकॉइन पे आप खरीद लो आप, तो मैं बोला यार मेरे को तो पता नहीं कैसे क्या होता है। उस बंदे मेरे को जीप पे का टाइट दिया, बोला कि यहाँ से डाउनलोड कीजिए, उसके बाद यहाँ से खरीद लीजिए, इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है। उन्होंने मेरे को बताया, मुझे पल्ले नहीं पड़ा था कि भाई पता नहीं ये तो बोल रहा है होगा कि नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं, लेकिन उनके कहने के ऊपर, क्योंकि उसने खरीद रखा था। तो एक्चुअली क्या होता है, देखा देखी पुनः देखा देखी पाप होता है। तो वो उसका देखा देखी मैं भी खरीद लिया कि भाई जब अगला किए हुआ तो मेरे को भी कर लेना चाहिए। तो मैंने एक पॉइंट खरीदा 5 लाख। अब खरीदने तो खरीद लिया, अब डेली ऐप में देखता रहता हूँ कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, घटेगा कि नहीं, क्या हो रहा है। तो डेली ऊपर नीचे जो है ये चल रहा है, क्योंकि 24 आवर्स लाइव है। शेयर मार्केट का तो 9 बजे सुबह का स्टार्ट होता है, 3 बजे खत्म हो जाता है, लेकिन ये तो क्रिप्टो 24 आवर्स है। अब कभी देख रहे आप जा रहा है, कभी डाउन जा रहा है। 6 महीना बाद हड़ाक करके खबर आ गया, इंडिया गवर्नमेंट ने कहा क्रिप्टो बैन। और जब क्रिप्टो को बैन किया गया तो साइड भी बैन, साइड भी बंद, इंडिया गवर्नमेंट भी बंद, बोल दिया बंद। अब भाई गवर्नमेंट काम नहीं कर सकते आप। अब तो मेरा दिमाग हो गया पागल कि मेरा 5 लाख गया, ये सारा मेरे को डुबा दिया। चलो भाई ठीक, किसी भी रकम में 5 लाख बहुत बड़ी बात है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बोले कुछ कर सकते हैं या किसी को इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो कुछ कर सकते हैं। जो गया वो गया, अपना मन में करके दो छोड़ो, जो होना तो हो गया, दिखाया क्या होगा। गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, मैं भी उसको अब धीरे धीरे भूल गया। जिसको बोलता है मतलब अपनी दुनिया में आना, अपना काम करना, अपना जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसमें इन्वॉल्व रहना, धीरे धीरे उसको मैं इग्नोर करता चला गया। मैं क्या करूँ, मैं डूब गया, डूब गया, जा
दो साल तक धीरे धीरे पूरा कहानी खत्म। एक बार 2 साल बाद फिर से खबर आता है कि अब क्रिप्टो फिर से चालू हो गया इंडिया, और चालू हुआ फिर से वो मेरा ऐप चालू हुआ, जो ऐप था जी पे ऐप चालू हुआ। उस वक्त मैं वैल्यू देख रहा था तो 4.5 लाख, समझिएगा थोड़ा बात को इम्पोर्टेंट मैटर है। मैंने 5 लाख में परचेस किया और 2 साल बैंड हो गया। 2 साल बाद जब फिर से इसको चालू किया इंडिया गवर्नमेंट ने तो वो 4.5 लाख रुपया था। तो मन में थोड़ा सा साहस मिला कि मेरा डूबा हुआ पैसा निकल गया। लेकिन अब होगा क्या, मैंने क्या किया, जैसे ही साइट चालू हुआ 4.5 लाख रुपया था, मैंने विड्रॉल मार लिया अपने बैंक में। ये मेरी सबसे बड़ी गलती, जिसको बोलते हैं पेशेंस नहीं रखना। अब मैंने विड्रॉल मार लिया, अब विड्रॉल मार लिया तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि भैया मेरा डूबा हुआ पैसा मिल गया। चलो 50,000 का लॉस हुआ लेकिन 4.5 लाख तो मिल गया, बहुत बड़ी बात, चलो उतने में खुश हो गया। लेकिन धीरे धीरे ये अपना जो है कांटा बढ़ने लगा और 6 महीना में ही 25 लाख चला गया। अब मेरा और दिमाग पागल हो गया, और पूरा पागल हो गया, या मैंने कितना बड़ा गलत काम कर लिया। अच्छा चीज को खरीद के अब फिर विश्वास नहीं किया, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट ने ऐसा किया तो भाई मानना ही पड़ेगा। अब नतीजा क्या हुआ कि 6 महीना में वो 25 लाख चला गया, अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इस तरीके से ब्लास्ट हुआ, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख, 55, 60, 65, 68 लाख तक चला गया। सोचिए अंदाजा लगाइए कुछ ही दिनों में। तो एक कॉइन इतना ब्लास्टिंग कर सकता है बिटकॉइन, ये कोई सोच भी नहीं सकता। जबकि कुछ दिन पहले कर्ले सर कलम को भेजे कि 2010 में 6 रुपया उसका प्राइस था, सोच के देखिए 2010 में उसका प्राइस इतना था और धीरे धीरे कहाँ से कहाँ चला गया। अब कहने का मतलब है कि किसी भी बिजनेस में या किसी भी इन्वेस्टमेंट में या किसी भी चीज़ में पेशेंस इंपॉर्टेंट चीज होता है। मैं अपना बीता हुआ बात बताया, मैं कोई कहानी नहीं सुनाया, जो मेरे साथ हुआ वो मैं रियलिटी आपको बताया कि मैंने पेशेंस नहीं रखा, नतीजा क्या हुआ, मेरा उल्टा 50,000 लॉस हो गया। अगर मैं पेशेंस रखता कुछ दिन और, या दिमाग लगाता कि गवर्नमेंट ने चालू किया तो बंद तो नहीं करेगा, लेकिन मेरे दिमाग में था कि मेरा डूबा हुआ पैसा निकल रहा। लेकिन जब गवर्नमेंट ने चालू किया तो करेगा ही, बंद नहीं करेगा, ये मैंने नहीं सोचा। ये फैक्ट बात है कि सबके पास ये चीज हो सकता है, सबके दिमाग में ये बात आ सकता है, ये सही है। अब नतीजा क्या हुआ, तब से जब चालू हुआ अब चल ही रहा, अब सिलसिला हुआ कि गवर्नमेंट भी मजबूर हो गई इसको लीगल करने के लिए। क्यों, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि जब मैं 5 लाख में खरीदा और खरीदने के बाद 2 साल इंडिया गवर्नमेंट ने बैन करके रखा, उसके बावजूद उसका रेट था 4.5 लाख। मतलब पूरे वर्ल्ड में इस तरीके से वो रुका हुआ था, ब्लास्टिंग नहीं हो रहा था, कि प्राइस उसी रेंज में घूम रहा है 2 साल में। क्यों, क्योंकि वो परचेस नहीं हो रहा, सेल एंड बाय नहीं हो रहा। अपने इंडिया के धरती में जो बोलता है कि सोना का चीजें रियली में है, और ये जैसे ही चालू हुआ 6 महीने में 25 लाख कैसे टच कर दिया, क्योंकि यहां से करोड़ों लोग इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं क्रिप्टो में और कर रहे हैं। नतीजा इसीलिए गवर्नमेंट, अगर मैं इसे लीगल नहीं करूंगा तो सारा का सारा पैसा विदेश जाएगा। लोग मानेंगे तो नहीं, यहाँ वर्जिनेक्स बैठा है, फाइनेंस बैठा है, बड़ा बड़ा एक्सचेंज बैठा है, कौन कौन सा कौन तो बैठा हुआ है, तो लोग तो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा तो बताइए, क्रिप्टो में पैसा आना ही है क्योंकि डिसेंट्रलाइज पे काम करता है ये। अब समझने वाली बात यह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, पूर्व हो गए इसे लीगल करा दे। अब उसने ये देखा कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे क्या लेना देना है, उसका पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करता है, हमको 30% चाहिए आपके प्रॉफिट, आप प्रॉफिट कीजिएगा 30% को दिया, प्रॉफिट कैसे लेगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो में काम होता है, 10,000 तो पता नहीं चलेगा, क्रिप्टो में खरीदारी हो रहा है, बिक्री हो रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, आ रहा है, 10,000 थोड़ी पता, रियली बात पता नहीं चलेगा। लेकिन एक भी आदमी यहाँ से बताइए जो बैठे हुए कि आपने अगर क्रिप्टो परचेस किया तो कहाँ से किया, पैसा कहाँ लगाया, आपने कहीं ना कहीं अपने बैंक से पैसा ही ट्रांसफर किया होगा। क्या सर, कैश किसी को नहीं दिया होगा, किसी भी क्रिप्टो कंपनी को कैश नहीं दिया होगा, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैंक से ही ट्रांसफर किया होगा। और बैंक में जब आप ट्रांसफर किया
तो क्या इंडिया गवर्नमेंट बेवकूफ है? ये आरबीआई जो बैठा हुआ है आपका सर्चिंग करने के लिए, क्या वो बेवकूफ है? जितना पैसा आपका ट्रांसफर हो रहा है सारा बायोडाटा सारा रिकॉर्ड उसके पास है। कभी कभी जाइएगा देखिएगा बैंक में, ज्यादा पैसा लेना 10 लाख से ऊपर लेना होगा तो पहले बोलता है कि इन्फॉर्म कर दीजिएगा तब आइएगा, है ना। या आपका ज़्यादा अच्छा है, बिजनेस चल रहा है, पहचान बढ़िया है, तो एक बार दो बार दे देगा, लेकिन तीन बार जो बोलेगा तीसरा बार प्लीज हमको नोटिस दे दीजिएगा तभी पैसा हम देंगे। क्यों? क्योंकि ये पैसा का विवरण आरबीआई को देना पड़ता है लिखित रूप से, ये बंदा इतना पैसा ले रहा है, तो हर बैंक को आरबीआई को रिपोर्टिंग करना पड़ता है। उसी तरीके से यहाँ पे जितने सारे एक्सचेंज है, इंडिया गवर्नमेंट का जो एक्सचेंज बना है वो सभी गवर्नमेंट को, सभी एक्सचेंज को बोला गया है कि आपको पूरा बायोडाटा देना पड़ेगा, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, अगर आप नहीं देंगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए आपका पैसा भी ये लीगल हो चुका है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अब वो उसका आईडी का एक्सचेंज वाले का, क्योंकि आप जब पैसा अपने बैंक से डालेंगे एक्सचेंज में, एक्सचेंज के बाद यूएसडी में खरीदेंगे या दस कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर वो पैसा बढ़ गया, जस्ट लाइक एग्जांपल यहाँ पे, अब इसी को थोड़ा सा हम समझते हैं, एकदम छोटे शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग 250 रुपया का प्लान कर रहे हैं। अब 250 रुपये में हम आपको क्या दे रहे हैं? हम आपको एक फ्यूचर दे रहे हैं, फ्यूचर का एक पोजिशन, एक सिस्टम दे रहे हैं कि इससे अगर आज का जो प्राइस है बहुत ही कम है, मतलब इतना कम है कि 10 से 12-15 रुपया प्राइस पड़ता है 2 लाख कॉइन का, लेकिन हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, मैं अपना टारगेट रखा हूँ कि 5 साल के अंदर भी इसका प्राइस अगर 1 रुपया भी चला गया तो 2 से 2.5 लाख रुपया होगा कि नहीं होगा। अब सवाल आता है कि अगर 1 रुपया नहीं भी हुआ, लेकिन मैं बता दूँ कि ऑलरेडी 1 रुपया 20 पैसा हो चुका है पहले भी, आपको अगर चेक करना है तो हमारा वेबसाइट में जाइए, मार्केट क्वाइन कैप है, मार्केट क्वाइन कैप पे क्लिक कीजिए, उसको देखिए कि इसकी जो पूरी चालू कब से है, कब क्या प्राइस हुआ, आपको पूरा बायोडाटा मिलेगा। तो ऑलरेडी ये 1 रुपया 20 पैसा जा चुका है, उस वक्त क्या था और इस वक्त क्या है। उस वक्त जो है प्राइस गया, फिर से एक कंपनी ने इसको मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके फिर से नया तरीका से चार्ज करके क्वाइन को ज़्यादा किया, ज़्यादा करके प्राइस को कम कर दिया। अब इसका जो वैल्यू है, इसकी जो, अब कोई बोल सकता है कि यार ऐसा तो बहुत सारा कॉइन है मार्केट में, ये नहीं पता तो 10 लाख से ज़्यादा कॉइन है मार्केट में, बहुत कॉइन है, तरह तरह का कॉइन है, एक से एक उल्टा सीधा ये हाबी जाबी सब चल रहा है, ज़रूरी नहीं कि सब हिट ही करेगा, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो कॉइन बाइनेंस के अकाउंट में लिस्टेड है, तो बाइनेंस का अकाउंट है वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है बाइनेंस का, और उसमें जब वो लिस्टेड है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पावरफुल कॉइन होगा। हुआ कि नहीं हुआ सर? पावरफुल है तभी तो वहां पे लिस्टेड है, क्योंकि जितना भी फाइल शेयरिंग होता है, जितना भी आप यूट्यूब देख रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, ट्रांसफर होता है, ये सब इसी के प्रोटोकॉल से हो रहा है। आज जो गूगल का सारा चीज देख रहा है वो ये कॉइन उसको यूज कर रहा है, फेसबुक को यूज कर रहा है, लिंक्डइन को यूज कर रहा है, यहाँ तक कि नासा भी इसका कॉइन को यूज कर रहा है, इसके प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है। तो ये बहुत ही, हमारा पीडीएफ पर सब कुछ दिया हुआ, तो इसकी जो आने वाला कल का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, बहुत बड़ा इसका फ्यूचर है। अगर 1 रुपया भी गया तो 2 से 2.5 लाख रुपया आपका वो वैल्यू होता है, लेकिन हम आपको कितना कॉइन दे रहे हैं, 40 करोड़ 87 लाख कॉइन। कितना दे रहे हैं सर? 40 करोड़ 87 लाख कॉइन दे रहे हैं। मैं 2 लाख कॉइन नहीं दे रहा, 2 लाख सिर्फ आपको दे रहा हूँ 250 के बदले में। अभी सर ने बताया कि ये प्लान है 1,38,000 का, तो 1,38,000 रुपया में आपके पॉकेट से भी नहीं लिया जा रहा, सिर्फ आपको एपीआई सिस्टम के जरिए, जो सर ने बहुत अच्छा किया एपीआई सिस्टम के ऊपर में, कि 1,38,000 रुपया को किस तरीके से सिस्टमेटिक किया गया ताकि 250 रुपया में समट के आ गया, और ये 250 रुपया ही आपसे लिया जा रहा है। तो अगर कोई आदमी को 250 रुपया देने में तकलीफ हो तो थोड़ा हाथ उठाए, तो कोई आदमी 250 रुपया बहुत महंगा पड़ता क्या? एक टाइम का होटल में जाएंगे तो खाना भी आपका नहीं होगा, होगा नहीं, मीट मछली खा कर ये कहाँ होगा, बोले अपना पैसा हो गया, नहीं दे पाए। आप हर आदमी मोबाइल यूज कर रहे हैं, गरीब से गरीब आदमी है, लेकिन 250 का रिचार्ज तो करना ही है, क्या डेटा तो यूज करना है, मोबाइल तो चलाना ही है, तो ये स्थिति हो गया। 250 रुपया कोई बड़ा बात नहीं,
आप जिसको बोलेंगे वो दे देगा। अब इस प्लान में वो खूबी है, बहुत बड़ी बात। एक मैं झलक आपको बताता हूँ, आप लोगों ने बहुत सारा प्लान किया है, बहुत सारा प्रोटीन पेस्ट कंपनी किया होगा, कोई आयुर्वेदिक प्रोटीन लेके आता है, कोई होम्योपैथिक प्रोटीन लेके आता है, कोई कुछ प्रोटीन, कोई कुछ प्रोटीन वगैरह वगैरह सब लेके आता है। अब अगर वो प्रोडक्ट कंपनी में आप काम करते हैं तो आपको आपका इन्वेस्टमेंट लगता है, आपको प्रोडक्ट देता है, आप उसे यूज करते हैं या सेल करवाते हैं, यही करते हैं ना, खाते खत्म हो जाता है उससे। क्या फ्यूचर कुछ होता है क्या कि उस लोग पैसे से मैंने जो आईडी लगाया उससे हमारा कुछ ग्रोथ या कुछ फ्यूचर प्लानिंग होता है क्या? आप प्रोडक्ट लेते हैं, यूज करते खत्म हो जाता है। आपको बताऊं कि 80-90% लोग काम नहीं करते हैं। अब मैं ये प्रूफ कर दूंगा, अब भी कभी इसी वक्त प्रूफ कर दूंगा। कारण क्या है? अगर हमारी आईडी 100 आज लग गई है ना, 100 आईडी आज लगी है, तो कल कितनी आईडी लगनी चाहिए? आप तो खुद बोलिए, खुद ही बताइए, कोई व्यक्ति बोलते कितनी लगनी चाहिए? 500 सर के लिए जोरदार ताली दीजिए, क्योंकि 5 मिनट में आईडी लगती है। सर का कहना 5 मिनट में 5 आईडी लगा दूंगा, उन्होंने कहा 22 आदमी का आईडी मैंने तुरंत लगवा दिया। ऐसे से बहुत सारे धुरंधर बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो जब एक आदमी 5 आईडी लगा सकता है एक दिन में, तो 500 आईडी कल लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लेकिन नहीं लगता है, पता चला कि 100 से नीचे ही आकर गिर गया, और 70-80-60 में रख कर आ गया। मैं मेरे पास जो हो रहा हूँ मैं देख रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं आऊँगा, मैं हवा में कोई बात ही नहीं करूँगा, सही बात है। जो फैक्ट है मैं वही बोलूँगा, न तो आप हमको कुछ दिए ना हम आपसे कुछ लिए हैं, जो मैं सिखाना है समझाना जो मेरा रियल है जो फैक्ट है मैं वही बात। अब वो 100 से नीचे आके गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? इसका मतलब 90% लोग काम ही नहीं कर रहे। अब अगर काम नहीं कर रहे तो दोषी किसको देंगे? अपलाइन को, कंपनी को, सिस्टम को। अरे साला वो जाकर मेरे को फंसा दिया, 500 हजार पैसा डुबा दिया, सामने में नहीं बोलेगा, मुँह पे इज्जत देगा, गाली देगा, सब कुछ करेगा, लेकिन अपने बाद में गाली दे रहा हूँ कि साला मेरे को डुबा दिया, फंसा दिया। रियली बात है, क्योंकि मैं भी 10 साल से नेटवर्किंग में काम कर रहा हूँ।